Good morning everyone. Today we will start another exercise of this chapter, Perimeter and Aim. In the first exercise, we have discussed the questions which were related to perimeter of rectangle, perimeter of a square, area of rectangle and area of a square. So basically in first exercise, we have discussed about the square and rectangle, their perimeter and area. Now for the next exercise, we will be discussing about triangle and parallelogram. Okay, this is triangle and this one is parallelogram. Okay, now parallelogram is a shape in which opposite pair of sides are parallel to each other, and triangle can be like on basis of sides, it can be equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle, and on the basis of angle, it can be acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. Okay, so and in triangle, this side which is lying on the horizontal is generally said as base. ठीक है, ये जो भी अपना horizontal पे lie कर रहा है उसको हम base ले रहे हैं, और base के according ट्राइंगल की हाइट चेंज हो सकती है. ठीक है, सपोजिंगली दिस इज बेस, हाइट ये होगी इसकी, हाइट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मैं इसको बेस दूंगी तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से कहीं हाइट आएगी. ठीक है, इसको बेस लेती हूं अगर तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से कहीं हाइट जाकर बनेगा. ओके, सो हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज हाइट, हाइट क्या है, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू बेस हाइट विल आल्सो चेंज. ठीक है, तो ट्राइंगल के मेन हमें जो वी विल बेसिकली डीलिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेलोग्राम. अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है देन 3 × साइड कर देंगे, अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो तीनों साइड को प्लस करेंगे अलग अलग साइड को, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो इक्वल साइड और जो एक अनइक्वल साइड है हम लोग उसको प्लस करेंगे. ठीक है, तो पेरीमीटर में सिंपल प्लस करना है. पैरेलोग्राम के पेरीमीटर की बात करें तो इसको अगर मैं टिल्ट करके स्ट्रेट खड़ा करूं, जो इसके स्लांट वाली साइड्स हैं उसको स्ट्रेट खड़ा करें हम, देन इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. दिस कैन बी टेकन एज लेंथ ब्रेथ, सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और सिंपली यू कैन एड लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर. एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं सिंबल से डिनोट कर रही हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट. ठीक है, आपको जिस भी ट्राइंगल का एरिया दिया पता करना है उसका बेस पता होना चाहिए और उसी बेस से रिलेटेड वाली हाइट पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बेस तो ये पता है लेकिन हाइट ये पता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एरिया. अगर ये बेस पता है तो इसी के अपोजिट वर्टेक्स से ही हाइट बननी चाहिए. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट. सेकेंड थिंग फॉर पैरेललोग्राम, अगर आप पैरेललोग्राम को भी ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बेस लेती हूं देन दिस विल बी द हाइट, इसको अगर बेस लिया ऊपर वाले को देन दिस विल बी द हाइट, मतलब जो भी हम बेस ले रहे हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से ही हाइट बनेगी. अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये बनेगी इसकी हाइट. सिमिलरली इसको अगर बेस लिया देन दिस इज हाइट. ओके, तो ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि जो हाइट है वो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से ही बनती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा बेस लेना चाहेंगे, ये जो भी क्वेश्चन में दिया हो. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा हाइट भी डिफर करेगा. सो फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आप पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, एक पैरेललोग्राम का अगर मैं डायगनल बना दू, ठीक है, दिस इज डायगनल, देन अ डायगनल इज डिवाइडिंग द पैरेललोग्राम इनटू ट्राइंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, ये पैरेलल का साइन है एंड जीएम इज पर ग्राम,
So this is the shortcut symbol for parallelogram. So area of parallelogram is double of area of triangle. मतलब एक area के triangle को अगर मैं double कर दूं, तो क्या बन जाएगा? Area of parallelogram. A diagonal divides the parallelogram in two equal triangles. ठीक है, इन दोनों triangles का area equal ही होगा. इसलिए area of parallelogram is equal to 2 × ½ × base × height. ठीक है, ये तो triangle है इतना, और ऐसे दो triangle है. ठीक है, so 2 will be cancelled out. So in short, area of parallelogram is base multiplied by height. So this is the basic formula which we will be using in this exercise 11.2. The exercise which we are going to discuss, we will discuss only these two formulas: area of triangle, half into base into height, and since parallelogram is having two triangles, that's why it will be double of triangle. So 2 will be cancelled out and only base into height. Now let's look at some questions. First question का अगर आप A part diagram देखेंगे, in the question find the area of each of the following parallelograms. In A, B, C, D, E, five parts are there, and in all the five parts we have to find the area of parallelogram. Okay, this is 7 cm, and if this is base, then from opposite vertex to here, this is height. Okay, so this is base and this is height. तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम पर क्या फॉर्मूला है? ओनली बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. बेस इज 7, हाइट इज 4, एंड दिस इज 7 cm, दिस इज 4 cm. 7 × 4 = 28. सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन इट्स एरिया, तो एरिया में जो एरिया इज 2 dimension, इसीलिए इन सबकी पावर 2 हो जाएगी. सिमिलरली फॉर बी पार्ट, यू कैन सी बेस इज 5, हाइट इज 3, 5 × 3 = 15 cm², बट अगेन एंड अगेन वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. सी पार्ट, बेस इज 2.5, हाइट इज 3.5, वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर. सिमिलरली फॉर डी पार्ट, नाउ इन डी पार्ट आई विल शो यू. डी पार्ट में आपका पैरेलोग्राम, कुछ पैरेलोग्राम तो सिंपल है. दिस इज गिवन, दिस इज 5 एंड दिस इज 4.8. ओके, नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज बेस. दिस 5 इज बेस एंड दिस वन इज हाइट. सो 5 cm फॉर्मूला विल बी सेम, बेस इंटू हाइट. फॉर ई पार्ट ऑल्सो बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल. बेस इंटू हाइट करिए. यूनिट का बस हमें ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इफ इट्स मीटर देन इट विल बी मीटर स्क्वायर. नाउ सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखेंगे, उसमें हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स. लाइक इन ए पार्ट 4 cm एंड 3 cm. ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाफ रखा हमने, बेस 4 लिया है, हाइट 3. अगर ये बेस है तो इससे रिलेटेड ही हाइट है. 2 × 2 = 4, देन दिस इज 6, एंड अगेन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देन फॉर बी पार्ट, बेस इज 5, हाइट इज 3.2. 5 × 3.2 करेंगे, देन वी कैन डिवाइड बाय 2 अगेन. Then in C part, C part the diagram is like this. यहीं पर 90 degree बना है. ठीक है, Now this can also be height and this can also be height. So as per a simple understanding, जो horizontal है उसको हमने base मान लिया और इसको हमने height मान लिया. So again half into base into height, we will get the answer. Now for D part also, as you will see the diagram, this is an obtuse angle triangle. Base is 3. Now in this obtuse angle triangle, the height is in the outside. That's not an issue. Height तो देखिए, अगर ये base है तो उसका opposite vertex तो यही है. तो height बननी तो यहीं से चाहिए. Okay? So half into base into height. This is base into height. So in a triangle,
हाइट कैन बी इनसाइड ऑल्सो, आउटसाइड ऑल्सो और ऑन द ट्राइंगल ऑल्सो. ठीक है, अगर ये तीनों आप एग्जाम्पल दे सकते हो. इन दिस एग्जाम्पल हाइट इज इनसाइड द ट्राइंगल, इन दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हाइट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल हाइट इज ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो बाई यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन. नाउ व्हेन वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, तीन चीजें आपके पास, बेस, हाइट एंड एरिया, एंड द शेप इज अबाउट पैरेललोग्राम. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन. सो आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स इफ एनी टू इज गिवन वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन. पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, सो सपोजिंगली बेस एंड हाइट इज गिवन, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया बाय मल्टीप्लाइंग. सपोजिंगली एरिया इज गिवन एंड हाइट इज गिवन, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, हाइट को एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली अगर एरिया और बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो बेस को उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसका मैं सिर्फ आपको एक पार्ट करके बताऊंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ए पार्ट, ए पार्ट को अगर हम देखेंगे इसमें, सो बेस इज गिवन 20, वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, देन दिस इज बेस, दिस इज हाइट, एंड एरिया इज गिवन 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर. सो हाइट इज इक्वल टू 246 अपॉन 20. व्हेन वी विल सॉल्व इट, इट विल बिकम 12.3 सेंटीमीटर. सिंस इट इज हाइट, सो द यूनिट शुड बी सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके दो सेंटीमीटर और इसका एक सेंटीमीटर, वन वन सेंटीमीटर इज कैंसल्ड आउट. सिमिलरली फॉर अदर्स ऑल्सो, दो हाइट दिया हुआ है तो हाइट से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अगर बेस दिया तो बेस से डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगा, हाइट दिया हुआ है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो बेस आ जाएगा. सिमिलरली इस क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ में भी क्या है, लेकिन यहाँ पे बस फोर्थ में डिफरेंस है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है. सेम बेस, हाइट एंड एरिया इज गिवन, दिस इज ऑफ ट्राइंगल, सो द फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. ए पार्ट को अगर हम देखेंगे, ए पार्ट में हाफ इंटू बेस इज 15, हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 87 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो हाइट निकालना है अगर, दिस डिवाइड 2 विल गो इन मल्टीप्लाई एंड दिस 15 विल कम इन डिवाइड. इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेवन से 14, 174 बाय 15, 15 वन से 15, देन 2 एंड 4, 15 वन से 15 अगेन. ओके, देन जो भी आपका आंसर आएगा 11 पॉइंट समथिंग यू विल गेट द आंसर. 15 वन से 15, 2 एंड 4, अगेन 15 वन से 15, इट विल बी 90, तो 15 सिक्स 90, सो इट विल कम 11.6 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस एंड डू अदर पार्ट्स आल्सो. ठीक है, पैरेललोग्राम है तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो ऑन टूडेज डेट यू कैन कम्प्लीट टिल क्वेश्चन नंबर फोर. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू चिल्ड्रन.